तो डेफिनेटली जो हफ्ते का समापन हुआ है वो कोई अच्छे नोट पे तो नहीं हुआ। जो मिड वीक हमें बाजार के अंदर एक रैली देखने को मिली थी वो आज कहीं ना कहीं सारे के सारे गेन्स हमें लूज होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 0.5% की कमजोरी देखने को मिली है। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीब करीब एक फ्लैट नोट पे आज बंद होता हुआ दिखाई दिया। बैंक निफ्टी में करीबन 1% की गिरावट दर्ज की गई है और मिड कैप में भी करीबन 1.5% का आज हमें लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर्स के इस टाइम पे बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल है यहाँ पे भी 1% की कमजोरी देखने को मिली है। इस टाइम पे पीएसयू बैंक की तरफ देखिए तो यहाँ पे 2% की गिरावट दर्ज की गई है, सीपीएससी में 1.5%। लेकिन जो निफ्टी और आईटी और एफएमसी के सेक्टर है यहाँ से थोड़ा सा हमें आज के सत्र में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। अगर निफ्टी की तरफ जाए इस टाइम पे या जो भी तरीके से यहाँ पे हमें अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दी है, यानी कि करीबन 11%। वोल्टास में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, इंडियन होटल्स में भी करीबन 7% का एक गेन आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि एमआरपीएल में भी अच्छी खासी बढ़त, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी एक बढ़त का सत्र हमें देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में सूजलॉन में करीबन 9%, साथ में गुजरात पीपा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है करीबन 8.5%, और टॉरेंट पार में भी करीब करीब हमें इसी तरीके का ट्रेडिंग सेशन आज के टाइम पे देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो M&M में हमें एक गेनिंग स्ट्रीक देखने को मिली है, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिला है अच्छा खासा सत्र, और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खासी हमें एक चाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ओवरव्यू। तो डेफिनेटली जो हफ्ते का समापन हुआ है वो कोई अच्छे नोट पे तो नहीं हुआ। जो मिड वीक हमें बाजार के अंदर एक रैली देखने को मिली थी वो आज कहीं ना कहीं सारे के सारे गेन्स हमें लूज होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 0.5% की कमजोरी देखने को मिली है। एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीब करीब एक फ्लैट नोट पे आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में करीबन 1% की गिरावट दर्ज की गई है और मिड कैप में भी करीबन 1.5% का आज हमें लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर्स के इस टाइम पे बात कर लेते हैं,
निफ्टी बैंक की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, साथ ही साथ जो फिनेंशियल्स है यहाँ पे भी 1% की कमजोरी देखने को मिली है। इस टाइम पे पीएसयू बैंक की तरफ देखिए तो यहाँ पे 2% की गिरावट दर्ज की गई है, सीपीएससी में 1.5%, लेकिन जो निफ्टी और आईटी और एफएमसीजी सेक्टर है यहाँ से थोड़ा सा हमें आज के सत्र में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, चाहे बात इन्फी की करी जाए इस टाइम पे या विप्रो की करी जाए तो यहाँ पे हमें गेन्स आते हुए दिखाई दिए थे, जिसका रिफ्लेक्शन आज बाजार में हमें डेफिनेटली आज शोकेस हुआ है। एट द सेम टाइम रियलिटी में 3% की आज कमजोरी थी, यही नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस में भी करीब करीब 2% का घाटा आता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन फार्मा में हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है और ये फ्लैट नोट पे बंद हुआ है। अगर ऑल ओवर इंडाइसेस देखें तो 3 ही ऐसे सेक्टर हैं जो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स ही आज हमें लाल निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। बात करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, कहाँ पे मजबूती रही और कहाँ पे हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली। सबसे पहले गेनिंग साइड में M&M बना रहा जहाँ पे करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली, और लूजिंग साइड में ट्रेंड था जहाँ पे एक बड़ी गिरावट यानी कि 3.25% की गिरावट आज के सत्र में दिखाई दी। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इसके Q2 के नतीजे, जो एस्टिमेट लगाए गए थे वो उससे कहीं ना कहीं मैच नहीं हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आज के सत्र में हमें शेयर के अंदर डेफिनेटली देखने को मिला है। टाइटन आज गेनिंग साइड में था, द सेम टाइम जो आईटी के स्टॉक है टेकम इन्फी विप्रो हो गया इसमें L&T हो गया, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। लूजिंग साइड में कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, NTPC, ICICI बैंक ने आज बड़ा एक लूजिंग साइड में गेन दिया है, जिसके वजह से हमें बहुत आज नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, सबसे पहले गेनिंग स्ट्रीक में M&M, इन्फोसिस, HDFC बैंक और साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज करीबन 90 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन लूजिंग साइड में HDFC बैंक आप देखेंगे कि सारे के सारे जो काउंटर्स हैं वो बड़े ही काउंटर्स है, ICICI बैंक ले लीजिए या रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए, SBI ले लीजिए या फिर एशियन पेंट्स, तो ये चारों ही काउंटर ऐसे हैं जहां से हमें एक गिरावट दर्ज की गई है। बैंक की बात करी जाए तो HDFC बैंक और फेडरल बैंक आज गेनिंग साइड में रहे, और लूजिंग साइड में ICICI, SBI, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर ने आज एक कमजोरी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। बात करते हैं बढ़ने वाले शेयर्स की, 682 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। द सेम टाइम 1780 शेयर्स आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो ये था NSE का स्टैट। आगे बात करते हैं और भी काफी सारे शेयर्स हैं जहां पे हमें एक अच्छा खासा सत्र देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप के गेनर की, दिस वीक पेज इंडस्ट्री में हमें अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दी है, यानी कि करीबन 11%, वोल्टास में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, इंडियन होटल्स में भी करीबन 7% का एक गेन आता हुआ दिखाई दिया है, यही नहीं बल्कि MRPL में भी अच्छी खासी बढ़त, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी एक बढ़त का सत्र हमें देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में सुजलॉन में करीबन 9%, साथ में गुजरात पीपा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है करीबन 8.5%, और टॉरेंट पार में भी करीब करीब हमें इसी तरीके का ट्रेडिंग सेशन आज के टाइम पे देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो M&M में हमें एक गेनिंग स्ट्रीक देखने को मिली है, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिला है अच्छा खासा सत्र, और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खासी हमें एक चाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ओवरव्यू। तो डेफिनेटली जो हफ्ते का समापन हुआ है वो कोई अच्छे नोट पे तो नहीं हुआ, जो मिड वीक हमें बाजार के अंदर एक रैली देखने को मिली थी वो आज कहीं ना कहीं सारे के सारे गेन्स हमें लूज होते हुए दिखाई दिए हैं। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीबन 0.5% की कमजोरी देखने को मिली है, एट द सेम टाइम सेंसेक्स में भी करीब करीब एक फ्लैट नोट पे आज बंद होता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी में करीबन 1% की गिरावट दर्ज की गई है, और मिड कैप में भी करीबन 1.5% का आज हमें लॉस आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर्स की इस टाइम पे बात कर लेते हैं, निफ्टी बैंक की हमने ऑलरेडी बात कर ली है, साथ ही साथ जो फिनेंशियल्स है यहाँ पे भी 1% की कमजोरी देखने को मिली है। इस टाइम पे पीएसयू बैंक की तरफ देखिए तो यहाँ पे 2% की गिरावट दर्ज की गई है, सीपीएससी में 1.5%, लेकिन जो निफ्टी और आईटी और एफएमसीजी सेक्टर है यहाँ से थोड़ा सा हमें आज के सत्र में एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है, चाहे बात इन्फी की करी जाए इस टाइम पे या विप्रो की करी जाए तो यहाँ पे हमें गेन्स आते हुए दिखाई दिए थे, जिसका रिफ्लेक्शन आज बाजार में हमें डेफिनेटली आज शोकेस हुआ है। एट द सेम टाइम रियलिटी में
1% की आज कमजोरी थी, यही नहीं बल्कि ऑयल एंड गैस में भी करीब करीब 2% का घाटा आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन फार्मा में हल्का फुल्का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है और ये फ्लैट नोट पे बंद हुआ है। अगर ऑल ओवर इंडाइसेस देखें तो तीन ही ऐसे सेक्टर हैं जो हरे निशान पे जाके बंद हुए हैं, बाकी सारे के सारे सेक्टर्स ही आज हमें लाल निशान पे बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। बात करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की, कहाँ पे मजबूती रही और कहाँ पे हमें लूजिंग स्ट्रीक देखने को मिली। सबसे पहले गेनिंग साइड में M&M बना रहा जहाँ पे करीबन 3% की बढ़त देखने को मिली और लूजिंग साइड में ट्रेंड था जहाँ पे एक बड़ी गिरावट यानी कि 3.25% की गिरावट आज के सत्र में दिखाई दी। इसके पीछे का जो मेजर रीजन है वो है इसके Q2 के नतीजे, जो एस्टिमेट लगाए गए थे वो उससे कहीं ना कहीं मैच नहीं हुए हैं, जिसका रिफ्लेक्शन आज के सत्र में हमें शेयर के अंदर डेफिनेटली देखने को मिला है। टाइटन आज गेनिंग साइड में था, द सेम टाइम जो IT के स्टॉक है टेकम इन्फी विप्रो हो गया, इसमें L&T हो गया, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा एक गेनिंग मोमेंटम देखने को मिला। लूजिंग साइड में कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, NTPC, ICICI बैंक ने आज बड़ा एक लूजिंग साइड में गेन दिया है, जिसके वजह से हमें बहुत आज नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है मार्केट के अंदर। अब कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले गेनिंग स्ट्रीक में M&M, इन्फोसिस, HDFC बैंक और साथ में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज करीबन 90 पॉइंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। लेकिन लूजिंग साइड में HDFC बैंक आप देखेंगे कि सारे के सारे जो काउंटर्स हैं वो बड़े ही काउंटर्स है। ICICI बैंक ले लीजिए या रिलायंस इंडस्ट्री ले लीजिए, SBI ले लीजिए या फिर एशियन पेंट्स, तो ये चारों ही काउंटर ऐसे हैं जहां से हमें एक गिरावट दर्ज की गई है। बैंक की बात करी जाए तो HDFC बैंक और फेडरल बैंक आज गेनिंग साइड में रहे और लूजिंग साइड में ICICI, SBI, बड़ौदा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और साथ में पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि बैंकिंग सेक्टर ने आज एक कमजोरी हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखाई है। बात करते हैं बढ़ने वाले शेयर्स की। 682 शेयर्स ऐसे थे जहां पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। द सेम टाइम 1780 शेयर्स आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं, तो ये था NSE का स्टैट। आगे बात करते हैं और भी काफी सारे शेयर्स हैं जहां पे हमें एक अच्छा खासा सत्र देखने को मिला है। सबसे पहले बात करते हैं मिड कैप के गेनर की। दिस वीक पेज इंडस्ट्री में हमें अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दी है, यानी कि करीबन 11%। वोल्टास में भी अच्छी खासी बढ़त देखी गई है, इंडियन होटल्स में भी करीबन 7% का एक गेन आता हुआ दिखाई दिया है। यही नहीं बल्कि MRPL में भी अच्छी खासी बढ़त, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड वर्क्स में भी एक बढ़त का सत्र हमें देखने को मिला है। लूजिंग स्ट्रीक में सुजलॉन में करीबन 9%, साथ में गुजरात पीपा में हमें एक कमजोरी देखने को मिली है करीबन 8.5%, और टॉरेंट पार में भी करीब करीब हमें इसी तरीके का ट्रेडिंग सेशन आज के टाइम पे देखने को मिला है। निफ्टी की बात करी जाए तो M&M में हमें एक गेनिंग स्ट्रीक देखने को मिली है, इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल में हमें देखने को मिला है अच्छा खासा सत्र, और टेक महिंद्रा में भी अच्छी खासी हमें एक चाल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली है। तो ये था आज के बाजार का पूरा ओवरव्यू।